दिव्यांग शिक्षकों के लिए तमाम प्रकार की छूटें दी हैं, क्योंकि चुनाव की आचार संहिता है, इसलिए मैं उन सबको बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिव्यांगों का जो दिव्यांगों के लिए जो बढ़ाने का है, जो राशि दी जाने वाली है, उसको भी उन्होंने स्वीकृत कर रखा है पहले से। हमारे संकल्प पत्र में भी तमाम बातें दिव्यांगों के संदर्भ में दी गई हैं। दिव्यांग हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहे हैं और दिव्यांग बंधुओं की समस्याओं का निवारण हमारी प्राथमिकता है। और मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारे जो मिश्रा जी पीआरओ है श्री राम भद्राचार्य विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय के, दिव्यांग विश्वविद्यालय के, वो जो भी आपसे कहे होंगे निश्चित रूप हम सारी बातों पर विचार करके और पूरा जो भी भारतीय जनता पार्टी दिव्यांगों के हित में कर सकती है हम लोग पूरा आपको सहयोग भी करेंगे। और सरकार बनने के बाद दिव्यांगों के सुव्यवस्था के लिए, उनके जीवन को और सुरम्य और सरल बनाने के लिए जैसे केंद्र सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश सरकार भी कर रही है, हम पूरी तरीके से चाहे उनका दिया जाने वाला जो राशि है, जो जैसे वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, वैसे दिव्यांग पेंशन की राशि भी हमने बढ़ाई है और विद्यालयों का उच्चीकरण का भी कार्यक्रम हमारे इसमें है। केंद्र सरकार विशेष तौर पर दिव्यांग विश्वविद्यालय के उच्चीकरण का परिकल्पना को उसने रखा है और उत्तर प्रदेश सरकार उसको स्वीकृत कर रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में आपको निश्चित रूप में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप पूरे प्रदेश के जो भी हमारे दिव्यांग बंधु हैं वो अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे। शिक्षक का काम ही है दान देना, तो मैं तो ये कहूंगा कि शिक्षक के नाते और एक शिक्षक को मैं कहता हूं कि हमेशा चाहे जिस जाति का हो वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब है जो पढ़ाए, पठन पाठन की प्रक्रिया में संलग्न रहे। इस नाते मैं आपसे कहूंगा कि गुरु स्वामी भद्राचार्य जी का मैं अनन्य भक्त हूं और आप सबसे यही कहूंगा कि अपना मत का प्रयोग जरूर करें और भारतीय जनता पार्टी को अवश्य जितवाए, यही आपसे आग्रह था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, मैं दूसरे काम में संलग्न रह सकता हूं। हेलो मिश्रा जी, अपना माइक ऑन करें। मिश्रा जी, जी सर जी, अब आप सबसे मेरी तरफ से आग्रह कर लीजिएगा और स्वामी जी सर निश्चित प्रणाम कहिएगा। मैं उनको भाव से निवेदन करता हूँ कि उनका आशीर्वाद नई सरकार को बनाने में भारतीय जनता पार्टी की उनका आशीर्वाद हम सबके साथ रहे, यही मेरा आपसे आग्रह है। जी सर, आपने अपना समय दिया हम सभी विशेष शिक्षकों के लिए और संगठन को, इसके लिए हम आपको भूरी भूरी और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और पूरी टीम की तरफ से आपने समय दिया, धन्यवाद सर आपको। सर आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय देने के लिए। जी नागेश पांडे जी, हेलो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संस्थान के अध्यक्ष हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री रजनीश पांडे सर, आपसे निवेदन है कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में अपने मनोभाव हमारे बीच है। भाई रजनीश पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद नागेश पांडे सर। और सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरे संगठन की तरफ से, उन्होंने अपने इस व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकाल के हम लोगों को अपने आशीर्वचन दिए और